हमारे यहाँ खाना बन रहा होता था और पहले दौर में तो लीमू सस्ते भी बड़े होते थे ना, तो अब तो जरा लीमू की हालात देखे हम कहाँ जा रहे हैं। तो होता क्या था कि अभी ना इसका अगर छिलका या ऑरेंजेस का वर्क है तो हमारे घर में सुबह ही पानी में डाल के वो चढ़ा देती थी। पहले दौर में इतने एयर फ्रेशनर और ये सब चीज़ें तो नहीं होती थी, तो हमने अम्मी को हमेशा देखा कि कुछ पुदीने के पत्ते या लीमू के छिलके या फिर क्या कहते हैं खास पे हरे धनिया और लीमू की जो वो पुदीने की जो डंडियाँ होती उनमें सबसे ज़्यादा खुशबू होती। छोटी सी पतीली में जितनी देर खाना बन रहा है वो चढ़ा रहता था, उससे क्या होता था एक तो खाने की स्मेल पूरे घर, बड़ा घर नहीं था हमारा, 6 बहन भाई थे तो वो 2 कमरे का घर था, तो वो बड़ा अम्मी को होता था कि ज़रा खुशबूदार। तो पुराने ज़माने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो वो लोग कैसे चीज़ें रखते थे, उसका एक तरीका मैंने सीखा था। हमारी एक बड़ी ही अच्छी खातून है, अज़रा अल्लाह उनको खुश रखे आबाद रखे, और उन्होंने बताया कहती कोई भी चीज़ जैसे अभी ये टोमेटो प्यूरी आप हल्का सा ऑयल डाल दें जो आपने फ्रिज में रखनी है उस पर हल्का सा ऑयल, कुकिंग ऑयल नॉर्मल ऑयल हल्का सा एक लेयर, हाँ उसके ऊपर ना फंगस लगेगी ना वो खराब हो जाता है, ये जो ऑयल है ये चीज़ों को खराब होने से। पिछले साल से ये शुरू किया कि मैंने चीनी ली, 5 किलो चीनी में मैंने 10 किलो लीमों का रस रखा डाला उसमें मिक्स किया, चीनी ने पी लिया उसको और आप उसको नॉर्मल हवा में ड्राई होने दें, वो खुश्क होते होते मोटी होती जाएगी, मोटी होके और खुश्क हो जाएगी, खुश्क होके बिल्कुल अकड़ जाएगी, उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पीस लें, कम अज कम आप 1.5 साल 1.5 साल जितनी चाहे आप इसको पाउडर बन जाए, पाउडर बन गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने शरबत बनानी है तो चीनी घोलने का भी मन नहीं, तो आप डालें आपकी स्कंजवीन आपका शरबत अच्छी इफेक्टिव है, मेरी आजमाई भी।